If you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon. All students, today we study chapter 9 of Neo GK Hub class 3. Chapter name is Human Body, yani insaan ya manushya ka sharir. Now look at the exercise. Fill in the blanks using the utility box. Blanks ko fill karna hai, yani khali jagahon ko fill karna hai, bharna hai. यूटिलिटी बॉक्स जो आपको नीचे दिया है उसकी हेल्प से. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. द ब्लैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स इन द ह्यूमन बॉडी. द खाली जगह इज मीन्स है वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़े में से एक. एंड मीन्स और. मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा. कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या पेचीदा. ऑर्गेन्स यानी अंग. इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर में. इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 100 billion नर्व्स दैट कम्युनिकेट इन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस कॉल्ड साइनेप्सिस. इट इज़ मेड अप, यह बना हुआ होता है ऑफ यानी का मोर देन 100 billion नर्व्स. मोर देन यानी से ज़्यादा. किससे ज़्यादा? 100 अरब नर्व्स यानी तंत्रिकाओं से. दैट जो कम्युनिकेट यानी साझा करती हैं, आदान प्रदान करती हैं. इन ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस, अरबों खरबों कनेक्शंस यानी संबंधों का. कॉल्ड जिन्हें कहा जाता है साइनेप्सिस यानी अंतर ग्रंथियाँ. आंसर में आप फिल करेंगे ब्रेन. नाउ लुक एट द सेकेंड. ह्यूमन ब्लैंक जस्ट लाइक द हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज इन चेस्ट. ह्यूमन यानी इंसान, फिर ब्लैंक दिया है. जस्ट लाइक द हार्ट यानी हार्ट दिल की ही तरह. आर प्रोटेक्टेड, आर मीन्स होता है प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित. बाय द रिब केज यानी रिब केज को पंजर बोलते हैं या फिर आम भाषा में इसको छाती में जो हमारे हड्डियों का एक ढांचा होता है जो केज की जैसे होता है उसको बोलते हैं, जो कि हमारे चेस्ट यानी सीने में होता है. द लंग्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द चेस्ट बोन. द लंग्स यानी फेफड़े आर कनेक्टेड, जुड़े हुए होते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड या जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो कॉर्ड होती है उससे. एंड द चेस्ट बोन और हमारे चेस्ट यानी छाती की जो हड्डी होती है, बोन मीन्स हड्डी, उससे. नाउ लुक एट द थर्ड वन. द ब्लैंक सेकेंड के आंसर में आप लंग्स फिल करेंगे. नाउ लुक एट द थर्ड वन. द ब्लैंक बिगेंस बीटिंग एट 4 weeks आफ्टर कॉन्सेप्शन एंड डज नॉट स्टॉप अनटिल दैट. द ब्लैंक्स में आप हार्ट फिल करेंगे. बिगेंस बीटिंग, बिगेंस में शुरू कर देता है. बीटिंग मीन्स धड़कना. एट 4 weeks चौथे हफ्ते बाद आफ्टर कॉन्सेप्शन यानी गर्भधारण के चौथे हफ्ते बाद से जो हमारा हार्ट होता है वो धड़कना शुरू कर देता है. एंड डज नॉट स्टॉप अनटिल डेथ, हमारे मरने तक धड़कना बंद नहीं करता है. आंसर में आप हार्ट फिल करेंगे. नाउ लुक एट द फोर्थ. अवर ब्लैंक लुक्स लाइक ए रेडिश ब्राउन वेज विथ टू डिफरेंट पार्ट्स और लॉब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अवर ब्लैंक दिया है यानी अवर मीन्स हमारा. लुक्स लाइक ए रेडिश, दिखता है एक लाल ब्राउन, लाल और भूरे रंग के कील के जैसा जो दो अलग अलग पार्ट्स यानी दो अलग अलग हिस्से रखता है और लॉब्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग आकार के दो भाग को रखता है. द राइट लॉब इज ए लॉट बिगर देन द लेफ्ट लॉब. तो जो राइट हिस्सा होता है, जो दायां हिस्सा होता है, इज ए लॉट बिगर, वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है देन मीन्स से द लेफ्ट लॉब, जो बाईं तरफ का लॉब होता है, लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है उससे. आंसर में आप फिल करेंगे लिवर. नाउ लुक एट द फिफ्थ वन. द ब्लैंक is part of the digestive system. It is the third stage in the digestive process. Blank में आप stomach fill करेंगे. The stomach यानी जो हमारा stomach होता है is
यानी है पार्ट हिस्सा ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पाचन तंत्र या जो भोजन पचाने की क्रिया होती है उसका हिस्सा होता है। इट इज़ द थर्ड स्टेज, और वो तीसरी स्टेज होती है या तीसरी स्थिति होती है इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो पाचन की क्रिया है, जो पाचन की प्रोसेस है, उसमें ये तीसरी स्टेज होती है। नेक्स्ट आपको दिया है 6 पॉइंट, द ब्लैंक में आप किडनीज फिल करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किडनी दो होती हैं तो किडनीज लिखते हैं, प्लूरल होता है। फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ अवर वर्ल्ड ब्लड, तो जो किडनीज होती हैं वो फिल्टर करती हैं, छान देती हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट मीन्स खराब, गंदा प्रोडक्ट, जो उत्पाद होता है उसको, आउट ऑफ अवर ब्लड, हमारे खून से। दे ऑल्सो रेगुलेट योर लिक्विड एंड न्यूट्रिशियन। दे मीन्स ये, ऑल्सो मीन्स भी, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करती हैं योर लिक्विड्स, हमारे शरीर में जो लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं उनको, एंड न्यूट्रिएंट और जो पोषक तत्व होते हैं उनको। सेवन्थ है, ब्लैंक इज द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गेन, तो ब्लैंक में आप स्किन फिल करेंगे। स्किन जो होती है वो इंसान के शरीर की सबसे बड़ा अंग या ऑर्गेन होता है। अब आप लास्ट 8th पॉइंट को देखेंगे, ब्लैंक दिया है, फिर आगे लिखा है इज द स्ट्रोंगर बोन इन ए ह्यूमन बॉडी, तो ये जो चीज़ होती है ये स्ट्रोंगर यानी बहुत मजबूत होती है, बोन हड्डी, इन ए ह्यूमन बॉडी, एक इंसान के शरीर में। आंसर में आप फिल करेंगे फ्यूमर, फ्यूमर बोलते हैं जो हमारे जांग की, थाई की जो हड्डी होती है उसको। एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ योर चैप्टर 9, क्लास 3, नियोजी के हब।